लेट अस गो टू स्टार्ट द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन प्रूफ द आइडेंटिटी। आज आइडेंटिटी को हम प्रूफ करेंगे। किस प्रकार से इससे संबंधित आपको आइडेंटिटी बताई गई है तीन, उसी से हम संबंधित क्या करेंगे आज प्रूफ करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका 1/sec θ - 1 - 1/sec θ + 1 = cot² θ। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है, 1/sec θ - 1 - 1/LCM ले लेंगे। LCM में क्या है, दोनों में डिफरेंस है तो इसका मल्टीप्लाई ही इसका LCM होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, sec θ - 1 - sec θ + 1। तो sec थीटा में sec थीटा को डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा sec θ + 1। अब इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से क्या आएगा, आपको आपका डिवाइड करने से आ जाएगा क्या, ये sec θ + 1 sec θ + 1 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा sec θ - 1। क्या आ जाएगा, sec θ - 1। अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट को हटा देंगे। ब्रैकेट को हटाने पर क्या होता है, अगर ब्रैकेट के पहले माइनस का सिंबल हो तो ब्रैकेट के अंदर के सिंबल चेंज हो जाते हैं, क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, sec θ + 1 - sec θ - 1 upon sec a - b a + b a - b into a + b = a² - b² तो a में आपका sec थीटा है और b में है 1, तो sec²θ - 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sec²θ - 1। अब यहाँ पर sec थीटा और sec थीटा प्लस माइनस है, दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ आ गया 2 upon, अब आपको दूसरी आइडेंटिटी पढ़े होंगे, sec²θ - 1 = tan²θ। क्या पढ़े हैं, tan²θ, तो 2 upon tan²θ = 1 upon tan²θ = cot θ, तो 2 upon tan²θ = 2 cot²θ = right hand side। ये आपका प्रूफ हो गया। हाँ, तो लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, sin²a + cos²4a = 1 - 2 sin²a cos²a। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका दिया गया है sin²a + cos²4a, तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, sin²a² + cos²a² अब इसको a² + b² = a + b² - 2ab2 sin²a cos²a। क्या सेंस a² + b² = a + b² - 2ab - 2ab। अब आप फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़े हो कि sin²θ + cos²θ = 1। फर्स्ट आइडेंटिटी आप प्रूफ किए थे sin²θ + cos²θ = 1। तो यहाँ क्या जाएगा, 1² - 2 sin²a cos²a। क्यों, सिंस sin²θ + cos²θ = 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 - 2 sin²a cos²a। तो यही आपको प्रूव करना था, इक्वल क्या हो जाएगा, ये
राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप क्या करते हैं, इसको हम स्क्वायर रूट को हटाने के लिए इसका जो है रेशनलाइज कर देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ प्लस है तो माइनस का इसी के रूट के अंदर ही, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब क्या हो जाएगा आपका, रूट ऑफ ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट आइडेंटिटी आप पढ़े हो साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, सिंस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आगे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर हो गया तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये स्क्वायर भी हट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको अलग अलग कर लेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाए, 1 माइनस साइन थीटा इक्वल कॉसेक थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इक्वल कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल कॉट थीटा, क्या होगा कॉट थीटा, ये भी आइडेंटिटी आपको बताई जा चुकी है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल राइट हैंड साइड, क्या आ गया राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। ये आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसको विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल रूट टू साइन थीटा देन प्रूव दैट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल रूट टू कॉस थीटा। तो आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल रूट टू साइन थीटा, रूट टू साइन थीटा, और इसको आप लिख सकते हो रूट टू साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको इस पार कर दिए, इसको इस पार कर दिए। अब क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोजिंग कर देते हैं, क्या करते हैं ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रूट टू साइन थीटा माइनस है तो प्लस साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा दोनों में है, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, साइन थीटा कॉमन ले लिए तो आपका आ गया रूट टू प्लस वन इक्वल कॉस थीटा, रूट टू प्लस वन कॉस थीटा। आपको इसको देखना है साइन थीटा आना चाहिए, तो साइन थीटा कब आएगा, जब इसको हम ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन रूट टू प्लस वन, कॉस थीटा अपॉन रूट टू प्लस वन,
अब इसको डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा अपॉन रूट टू प्लस वन इंटू रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू माइनस वन। यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस कर देते हैं। साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा ब्रैकेट में रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू प्लस वन रूट टू माइनस वन। तो साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा का इस पूरे में मल्टीप्लाई, तो रूट टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट टू का स्क्वायर तो टू हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस तो वन बन जा वन हो गया। ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल रूट टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन वन। वन का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। साइन थीटा इक्वल रूट टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस है इधर प्लस हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल रूट टू कॉस थीटा। यही आपको प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया। क्या है, इफ टेन थीटा इक्वल एन टेन फाई एंड साइन थीटा इक्वल एम साइन फाई, देन प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन। इफ टेन थीटा इक्वल एन टेन फाई, तो इसको प्रूव करना है। क्या दिया गया है, टेन थीटा इक्वल एन टेन फाई। आप इसमें देख रहे हैं कि जो प्रूफ करना है तो थीटा है, फाई का मान नहीं दिया गया है, फाई से हट गया है, इसलिए आप टेन फाई को निकालिए। टेन फाई तो क्या आ जाएगा आपका, टेन थीटा अपान एन इक्वल टेन फाई। टेन थीटा टेन फाई क्या आ जाएगा, टेन फाई। तो टेन थीटा अपॉन एन इक्वल टेन फाई और टेन फाई इक्वल टेन थीटा अपॉन एन। टेन फाई वन अपॉन कॉट थीटा, तो वन अपॉन कॉट फाई, वन अपॉन कॉट फाई इक्वल टेन थीटा अपॉन एन। टेन थीटा अपॉन एन तो कॉट थीटा इक्वल कितना होगा, इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो अब इसको पलट देंगे तो वन अपॉन कॉट थीटा है तो हम कॉट थीटा, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड को पलटेंगे तो राइट हैंड साइड भी पलट जाएगा, तो कॉट थीटा इक्वल एन अपॉन साइन टेन थीटा, एन अपॉन टेन थीटा। तो कॉट फाई इक्वल क्या आ गया, एन अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा को आप जो है क्या करेंगे, टेन थीटा को साइन कॉस में बदल देंगे तो एन इंटू साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये क्या आ गया, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो कॉट फाई इक्वल कॉस ऊपर चला जाएगा तो एन कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये नंबर वन हो गया। कॉट फाई इक्वल एन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दूसरा आपका दिया गया है साइन थीटा इक्वल एम साइन फाई, तो यहाँ क्या जाएगा, आर इसको लिख सकते हो एम साइन फाई इक्वल साइन थीटा। तो साइन फाई इक्वल
साइन फाई इक्वल साइन थीटा अपान एम, साइन थीटा अपान एम, साइन फाई इक्वल साइन थीटा अपान एम हो जाएगा। तो साइन फाई इक्वल क्या हो जाएगा, वन अपान कॉसेक फाई, वन अपान कॉसेक फाई इक्वल साइन थीटा अपान एम, देयरफॉर कॉसेक फाई, कॉसेक फाई इसको पलट दिए, इसको पलटने से क्या आ गया आपका कॉसेक फाई इक्वल एम अपान साइन फाई, एम अपान साइन थीटा, एम अपान साइन थीटा, ये दूसरा नंबर हो गया। अब आप थर्ड आइडेंटिटी, स्क्वायर फाई माइनस कॉट स्क्वायर फाई इक्वल वन, क्यों कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल वन होता है, थर्ड आइडेंटिटी आपका यहाँ फाई रहेगा, कॉसेक स्क्वायर फाई माइनस काट स्क्वायर फाई इक्वल वन। तो कॉसेक स्क्वायर फाई, कॉसेक का वैल्यू कितनी दी गई है, कॉसेक फाई इक्वल एन अपान साइन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा एम अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस काट cot फाई n cos थीटा अपान sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल वन। तो यहाँ क्या जाएगा आपका m square upon sin square थीटा माइनस, इसे स्क्वायर है तो n का भी स्क्वायर होगा, n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा इक्वल वन। अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ गया आपका एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा इक्वल वन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा जो आपको प्रूफ करना है उसमें कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन नहीं है, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉस में चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ट्रांसपोजिंग कर देंगे, वन को इधर ले जाएंगे और इसको इस साइड ले आते हैं तो क्या आ जाएगा ये एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल, ये माइनस है तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें कॉस स्क्वायर थीटा दोनों में है कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा क्या है आपका एन स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा का वन कॉफिशियंट है तो एन स्क्वायर माइनस वन। अब इसको ट्रांसपोजिंग कर देंगे इधर तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस वन अपान एन स्क्वायर माइनस वन इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा, या आर जो है आप लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल एम स्क्वायर माइनस वन अपान एन स्क्वायर माइनस वन, यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया।